मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग पूरे वीडियो में मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है जो हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य है सब कुछ खत्म करेंगे देवनागरी लिपि क्या होता है यानी अभ्रंश भाषाएं क्या होती हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है सब कुछ इसमें खत्म करेंगे और जो बच्चा लास्ट तक बना रहता है लास्ट में सोलह से सत्रह प्रश्न का दोस्तों क्वेश्चन बैंक लिया गया है तो आपको यह देखना है कि पहले हम लोग थ्योरी करेंगे थ्योरी के बाद आपको प्रश्न मिलेंगे डायरेक्ट तो आप देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं वह सारे प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और जिन बच्चों का सहयोग मिल रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसे एफरीन है और आपके, आपके कौन है भैया एक लोग और हैं जो कि किसी दूसरे के नाम से आई चलाते हैं है ना तो इन बच्चों को बहुत बड़ा हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ कहिए भैया आप लोग का सहयोग इसी तरह बना रहे और प्यार इसी तरह बना रहे तो हम बहुत जल्द ही अपनी फैमिली बड़ी कर पाएंगे दोस्तों आप लोग का सहयोग बहुत ही ज़रूरत है सहयोग की तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे पहला है वर्गीकरण दोस्तों वर्गीकरण की बात करें तो हिंदी विश्व का लगभग तीन सौ भाषाओं में से एक भाषा जानी जाती है दोस्तों हिंदी को पूरे विश्व में तीन सौ भाषाओं में से एक भाषा के रूप में जाना जाता है आपको याद रखना है दोस्तों आकृति या रूप के आधार पर अगर देखा जाए हिंदी दो रूप है दो रूप में है मतलब कि एक वियोगात्मक है एक विश्लेषणात्मक है विश्लिष्ट कहते हैं विश्लिष्ट भाषा है अगर भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो भाषा परिवार के आधार पर देखेंगे दोस्तों तो हिंदी भारूपीय परिवार का भाषा है आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी किस परिवार का भाषा है तो आप बताएंगे हिंदी भारूपी परिवार का भाषा है ठीक है इस चीज़ को याद रखेंगे यह बहुत बार पूछा गया है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों भारत में चार भाषा परिवार हैं कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं भारोपीय द्रविड़ आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती है ना कौन कौन से हैं भारूपी द्रविड़ आस्ट्रिक चीनी तिब्बती ये चार भाषाएं हैं भारत में चार भाषा का या फिर हिंदी भाषा का परिवार है चार कौन कौन से दोस्तों भारूपी द्रविड़ आस्ट्रिक चीनी तिब्बती तीन से चार बार इसे आप देख कर वीडियो को समझ कर नोट्स प्रिपेयर करके अच्छे ढंग से कॉपी अपना लिख लेंगे जिससे कि ये चीज़ें आपको बार बार याद रहेंगी अन्यथा आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अन्यथा आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके सर्च करिए करंट हेवन के नाम से आ जाएगा टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाइए और डेली जितने भी वीडियो होते हैं उसका पी डी एफ दे दिया जाता है आप ज्वाइन हो गए ले लिया करिए तो जो भारत में बोलनों वा बोलने वालों की जो प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाता है तो सबसे बड़ी भाषा कौन सी है तो बताएँगे भारो भारूपी परिवार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है कौन सा दोस्तों हिंदी याद रखेंगे भारत में बोलने वालों की प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो भारूपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारूपी परिवार यानी कि या यह वाला हिंदी का भारूपी परिवार जो पहला हमने बताया आपको वैसे तो होते हैं चारों लेकिन सबसे बड़ा जो बोला जाता है भारूपी परिवार ही बोला जाता है ये चीज़ याद रखेंगे आप दोस्तों ठीक है ना भारूपी चलिए आगे चलते हैं अब हम देख लेते हैं परसेंटेज के आधार पर आखिर कौन कितना बोला जाता है दोस्तों तो भारत में बोलने वालों की प्रतिशत यानी भारोपी जो भाषा है हिंदी का वह कितना परसेंट भारत में बोला जाता है तो बताएंगे तिहत्तर सेवेंटी थ्री परसेंट बोला जाता है द्रविड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट बोला जाता है आस्ट्रिक वन पॉइंट थ्री परसेंट बोला जाता है और चीनी तिब्बती जीरो पॉइंट सेवन परसेंट बोला जाता है इस तरह आप मिला लेंगे तो ट्वेंटी फाइव इधर हो गया ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे यानी कि ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस सेवेंटी थ्री हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो इस तरह ये चारों भाषाएं हैं जो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बोली जाती हैं जो भारतीय भाषा भारोपी भाषा है दोस्तों यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा के रूप वाली है जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, है आप लास्ट तक बने रहिए लास्ट में आपको जरूर एक सेट मिलेगा सोलह सोलह से सत्रह प्रश्नों का जो पिछले साल पूछे गए हैं तो आप उसको सॉल्व करिए अपने आप को चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभ्यक्त किया गया है जो भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों वो कितने भाषाओं में कितने रूपों में विभक्त है तो बता देंगे इससे पहले मैं आपको बता दें दोस्तों जो हिंदी भारूपी भारत यूरोपी के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा का एक भाषा है ये चीज़ था याद रखेंगे जो भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों तीन कालों में विभ्यत किया जाता है उसे तीन काल में उसे विभक्त किया जाता है कौन कौन से या कह लीजिए जो भारतीय आर्य भाषा है उसे तीन काल में विभक्त किया जाता है कौन कौन से तो बता देंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि पंद्रह सो बीसी से पाँच सौ बीसी तक चला था बी का मतलब क्या होता है दोस्तों ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे उनके पहले वाला समय और ईसा मसीह के बाद वाले समय में हम लोग जी रहे हैं उसे ए कहते हैं एडाडामिन है ना याद रखेंगे बी मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व कहते हैं और इसे ईस्वी इस कहते हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आदिभाषा ये पाँच सौ बीसी से एक हज़ार ए तक है दोस्तों चला था और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अभी चल रहा है दोस्तों एक हज़ार ए से अब तक चल रहा है तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं क्रम से देखिए पंद्रह से पंद्रह से आप आए पाँच सौ फिर पाँच सौ यहाँ ला दीजिए पाँच से एक फिर एक को यहाँ पर लेके आइए एक से अब तक यह भाषा चल रहा है आधुनिक भाषा चलिए अगले तरफ चलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की तरफ चलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है कितने भाषाओं में कितने रूपों में देखा गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तो बता देंगे दोस्तों यह तो चला था पहले पंद्रह सौ ईसा पूर्व से पांच सौ पूर्व तक जो कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति के अंतर्गत आता है कौन कौन दोस्तों इसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति आता है अगर वैदिक संस्कृति की बात करें दोस्तों वैदिक संस्कृति का मतलब ये हो गया जैसे कि यास हो गए पाणिध हो गए और इनके द्वारा प्रयुक्त नाम है यह है ना इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया था जो कि पंद्रह सौ ईसा पूर्व से लेकर एक हजार ईसा पूर्व तक चला था जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है यह तो पूरा पंद्रह सौ से लेकर पांच सौ तक

मध्यकालीन भारत भारतीय आर्य भाषा क्या है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों प्रथम प्राकृतिक पाली या फिर प्रथम प्राकृतिक काल जिसे हम पाली भाषा के नाम से जानते हैं ये चीज याद रखेंगे जो कि 500 सौ ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों पहले देखिए जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक चला था पाँच सौ ईसा पूर्व से लेकर एक हज़ार ईसा पूर्व तक एम सॉरी एक हज़ार ईस्वी तक पाँच सौ ईसा पूर्व से लेकर एक हज़ार ईस्वी तक चला था और इसमें जो आपका मध्यकालीन आर्य भाषा मध्यकालीन आर्य भारतीय भाषा है दोस्तों इसमें बहुत सारी जैसे पाल पाली हो गया प्राकृतिक हो गया अपभ्रंश हो गया इन सब भाषाओं का बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप हमको देखने को मिला था तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं जो प्रथम प्राकृतिक काल है इसमें पाली देखने को मिला था द्वितीय प्राकृतिक काल है इसमें प्राकृतिक प्राकृत भाषा देखने को मिला था और तृतीय प्राकृतिक काल है इसमें अपभ्रंश देखने को मिला था यह बातें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं आप लोग रिवीजन करने पे करने से नहीं चुकेंगे यह हंड्रेड परसेंट बताते हैं दोस्तों ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा लेकिन आप वीडियो दो से तीन बार देख लीजिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं नेक्स्ट आधुनिक आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की तरफ चलते हैं इसमें भी तीन रूप हैं दोस्तों कौन कौन से है? प्राचीन हिंदी मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी आधुनिक हिंदी में तो हम लोग जी रहे हैं आधुनिक हिंदी 1850 पहले शुरू से बताते हैं देखिए प्राचीन हिंदी क्या है दोस्तों कब से कब तक पहले जो आधुनिक आर्य भाषा है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है यह कब से कब तक था तो बता देंगे एक हज़ार ईस्वी से एक हज़ार ईस्वी से लेकर अब तक ये चल रहा है एक हज़ार ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है एक हज़ार ईस्वी के पहले और पाँच सौ ईसा पूर्व के बाद कसम मध्यकालीन भारतीय का था लेकिन एक हज़ार ईस्वी के बाद का अब तक दोस्तों वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आ जाता है तो याद रखेंगे प्राचीन हिंदी प्राचीन हिंदी दोस्तों कब तो से कब तक था तो बताएंगे ग्यारह सौ ग्यारह सौ ईस्वी से लेकर चौदह सौ ईस्वी तक था ग्यारह सौ ईस्वी से लेकर चौदह सौ ईस्वी तक था दोस्तों अगर बात करेंगे मध्यकालीन हिंदी की मध्यकालीन हिंदी की तो बताएंगे चौदह से ले कर, से लेकर लेकर दोस्तों 850, 850 तक था। अगर बात करेंगे आधुनिक हिंदी की तो आधुनिक हिंदी अठारह सौ पचास ईस्वी से लेकर दोस्तों अब तक है अब तक जिसमें हम लोग जी रहे हैं सारी बातें है, है ना चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक नोट है अभी इसे नोट कर लेंगे अच्छे से हिंदी की जननी संस्कृत को कहते हैं याद रखेंगे हिंदी की जननी संस्कृत कहते हैं लेकिन हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो अपभ्रंश से हुआ है यह बात ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा इस इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं जननी मार के चले जाते हैं भैया अपभ्रंश को लेकिन जननी संस्कृत है याद रखेंगे और अपभ्रंश से उसकी उत्पत्ति हुई है अभी हम काल क्रम बताएंगे क्रम से आप याद कर लेंगे तो हिंदी की जननी संस्कृत है संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है कहाँ तक दोस्तों अपभ्रंश तक पहुंचती है फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन यानी प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का अपभ्रंश माना जाता है अपभ्रंश से माना जाता है जो इतिहास है ना वो अपभ्रंश से माना जाता है यानी कि उत्पत्ति जो हुई है हिंदी की वो अपभ्रंश से हुई है याद रखेंगे केवल और केवल हम संस्कृत को किस नाम से जानते हैं किस रूप में जननी के नाम से जानते हैं ये बात याद रखिएगा दोस्तों यानी कि माता उत्पत्ति करने वाली उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति नहीं दोस्तों इतिहास के रूप में उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो हमारा तो अपभ्रंश है ठीक है इतिहास के रूप में उसी से जानते हैं लेकिन अगर जननी की बात करेगा तो बताएंगे संस्कृत को अब देखिए इसका कालक्रम देख लीजिए फटाफट आप लोग हिंदी का विकास किस का किस क्रम में हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे किस क्रम में हुआ है संस्कृत हुआ फिर अगेन पाली में आया पाली से फिर प्राकृतिक हुआ प्राकृतिक से अभ्रंश हुआ है अभ्रंश से अवहट हुआ है औहट्ट से प्राचीन यानी कि प्रारंभिक हिंदी में आ गए हम लोग ठीक है ना यह चीजें क्रम में है आप एक दो बार इसे देख लेंगे याद हो जाएगा चलिए पहली बात है हम लोग अभ्रंश के बारे में बात कर लेते हैं इस भाषा का विकास पाँच ईस्वी से लेकर एक ईस्वी के मध्य हुआ है ये हम लोग देख लिए हैं इसमें साहित्य का आरंभ आठवीं सदी से हुआ जो कि तेरहवीं सदी तक जारी रहा दोस्तों आठवीं सदी से लेकर तेरहवीं सदी तक जारी रहा इसमें प्रमुख रचनाकार भी हुए हैं जैसे स्वयंभू हैं स्वयंभू दोस्तों अभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं आपको पता है जैसे धनपाल हैं जैसे धनपाल को भविष्यमत कहा जाता है अभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य इन्हीं के नाम पर है दोस्तों याद रखेंगे धनपाल जैसे पुष्प दंत हैं पुष्प दंत आप याद कर लेंगे दोस्तों सारी बातें जो बोल रहे हैं पुष्प दंत हैं पुष्प दंत दोस्तों महापुराण या फिर कहिए जसहर चरियु के नाम से जाने जाते हैं सरह पा है सरह पा सरह सरह पा यह भी हैं दोस्तों जो कि हमारे प्रमुख रचनाकार हैं अपभ्रंश के काल में दोस्तों याद रखेंगे है ना यह सारी बातें हैं आप याद रख लेंगे अगर बात करेंगे नीचे नीचे देखिएगा नेक्स्ट में अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ जैसे आधुनिक में जैसे पश्चिमी हिंदी है राजस्थानी है गुजराती है पूर्वी हिंदी है बिहारी उड़िया बांग्ला ये सब सारी चीज़ें हैं तो कैसे विकास हुआ तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अपभ्रंश के भेद में अपभ्रंश के भेद में सबसे पहला है दोस्तों सौर सेनी अपभ्रंश के भेद में सबसे पहला है सौर सैनी सौर सैनी कहाँ बोला जाता है भारत में अगर हम भारत की मैप बनाएं अगर भारत का मैप बनाएं दोस्तों देखिएगा भारत का अगर मैप बनाएं दोस्तों इस प्रकार से कुछ भारतीय मैप बनाए हम तो आपको देख लीजिएगा थोड़ा सा और बस कॉपरेट करिएगा दोस्तों इस तरह से मान लीजिए भारत का मैप दोस्तों यह है ना अगर बात करें सौर सैनी का तो सौर सैनी पश्चिमी हिंदी राजस्थानी गुजराती मतलब यह वाला इलाका यह वाला इलाका गुजरात हो गया राजस्थान हो गया पश्चिमी हिंदी के रूप में जाना जाता है ये सौर सेनी की बात हो रही है अगर अर्धमगधी की बात करें तो अर्धमगधि दोस्तों पूर्वी हिंदी और बिहारी उड़ीसा बांग्ला असम यहाँ यहाँ असम है आपका इधर उड़ीसा है आपका इधर नीचे और आएंगे तो आपको पता है यहाँ पे बांग्लादेश मिल जाएगा इसके बाद पूर्वी यह पूरा बला इलाका पूरा ये पूरा वाला इलाका दोस्तों अर्धमाघ्धी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर अर्ध मग्दी की बोला जाता था लेकिन केवल मागधी की अगर बात करेगा माघ् तो बिहार वाला पोर्सन जो बिहार है उड़िया है बांग्ला है असमिया यहाँ पे केवल मागधी के रूप में अगर अर्धमाघ्धी की बात करेगा तो पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाएगा दोस्तों तो याद रखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है अपभ्रंश का भेद में मागधी जो है बिहारी उड़िया बांग्ला याद करेंगे और अर्धमाघ्धी पूर्वी हिंदी के नाम से जाना गया दोस्तों याद रखेंगे एक खस है दोस्तों इंपॉर्टेंट है खस मतलब पहाड़ी सौर सैनी से प्रभावित था पहाड़ी इलाके में जैसे आपके बताएंगे हम अभी आगे आएगा तो बताते चलेंगे ब्राचड़ एक ब्राचड़ भी है ब्राचड़ ब्राचड़ इसे बना लेंगे ब्राचड़ नहीं ब्राचड़ ये दोस्तों पंजाबी सिंध वाले इलाके में जैसे जो हमारे आ, कुछ भारत में रह गया पोर्सन और कुछ पाकिस्तान में चला गया सिंध वाला इलाका तो यहाँ पर यहाँ पर यह बात यह भाषा बहुत ज़्यादा प्रभावित है याद रखेंगे इसके बाद लास्ट एक बचा है औरहट और हट लीजिए मतलब कि महाराष्ट्री महाराष्ट्री कह लीजिए महाराष्ट्री में मराठी हो गए मराठी जितने भी आप लोग सुनते होंगे ना महाराष्ट्र वाले हैं मराठी के नाम से जाने जाते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र का जो विभाजन हुआ था भाषा के आधार पर ही हुआ था 1960 में एक मई 1960 में दोस्तों मराठी ही के कह लीजिए मराठी के आधार पर हुआ था महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मराठी बोलने वाले थे गुजरात में गुज्जर वगैरह बोलने वाले थे वैसे गुज्जर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बोला जाता है ये बात भी याद रखेंगे ठीक है ना तो महाराष्ट्र में मराठी बहुत ज़्यादा बोला जाता है याद रखेंगे जब जब भी मराठी की बात होगी तब तो आप महाराष्ट्र लगाएंगे अगर महाराष्ट्र नहीं है तो गुजरात लगाएंगे ऑप्शन में ठीक है चलिए अब अवहट्ट की बात कर लेते हैं अवहट्ट भी तो है हमारा जुड़ा हुआ अभ्रंश हिंदी से ठीक है अवहट्ट की बात करते हैं क्योंकि हमको पता है संस्कृत है पाली है प्राकृतिक है अभ्रंश अभ्रंश के बाद अवहट्ट आ जाता है तो अभ्रंश से कम तो नहीं इम्पोर्टेंट है अवहट्ट मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस जो है बराबर है इक्वली है तो एग्जाम में पूछा जाता है अवहट्ट जो है अपभ्रष्ट याद रखेंगे दोस्तों अपभ्रष्ट जो लिखा है सही लिखा है अभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है जो अवहट्ट है दोस्तों या अपभ्रष्ट का विकृत रूप है इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या पर, परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं इसे आप ठीक है ना यह या चीज़ याद रखेंगे जो कि 900 सौ ईस्वी से लेकर 1100 सौ ईस्वी तक दोस्तों निर्धारित किया गया था इसका कालखंड याद रखेंगे दोस्तों चौदहवीं शताब्दी तक इसका कलेज अंत हुआ था है ना यह साहित्य में इसका प्रयोग चौदहवीं सदी तक होता रहा है चौदह चौदहवीं सदी तक इसका जो यूज है दोस्तों होता रहा है याद रखेंगे चलिए अगले की तरफ चलते हैं नेक्स्ट अगला देखिएगा दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्या है राष्ट्रभाषा और राजभाषा संबंधित कुछ विविध तथ्य है राष्ट्रभाषा और राजभाषा संबंधित कुछ विविध तथ्य हैं इसको हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में राष्ट्रभाषा और राजभाषा से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं राजभाषा भारत का है राष्ट्रभाषा कोई नहीं भारत का ये चीज़ याद रखेंगे और राजभाषा के लिए बहुत ज़्यादा मांग हुआ था और किस आधार पर राजभाषा भारत का बना था हम हाँ, आपको सारी चीज़ें बताते हैं ये बात आप नोट कर लीजिए और देखते चलिए देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनिष्ठ सहयोगी और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था ये भी पूछा गया है एग्जाम में तो हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था बताएंगे पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने दोस्तों ठीक है याद रखेंगे अगर आगे चलें आगे देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ मतलब बंगाल में जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पे उदित हुआ पहले पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश सब एक ही था तो वहाँ पे उदित हुआ था वहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन आपको पता है कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 1936 में किया गया था 1936 में और एक हरिपुरा है दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था ये जमुनालाल बजाज के द्वारा किया गया था दोस्तों यहां पर भी कह लीजिए राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिनमें कि राज राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा की मांग हुई थी राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा की मांग हुई थी दोस्तों याद रखेंगे संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था दोस्तों जिसका समर्थन शंकर राव देव ने किया था यह बात याद रखेंगे हम बता दें आपको दोस्तों संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान कितने थे और हिंदुस्तानी मतलब कि वहाँ पर जो संविधान सभा बैठा था दोस्तों जब राज्य भाषा की मांग हो रही थी राजभाषा की तो उस समय दो भाषाएं रखी गई थी एक हिंदी रखा गया था एक हिंदुस्तानी रखा गया था हिंदुस्तानी हिंदी एक और एक हिंदुस्तानी दो भाषाएं रखी गई थी लेकिन पता है आपको जो हिंदुस्तानी भाषा है दोस्तों उस पर केवल सतहत्तर वोट पड़े थे और मात्र एक वोट ज़्यादा पड़ा था हिंदी के लिए तो याद रखेंगे तब से हमारा जो राजभाषा है दोस्तों हिंदी है ये चीज़ याद रखेंगे और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है बहुत बार आता है देखिए ये सारी बातें हैं आपको मिल जाएंगी नोट्स में जो हमने बोला है आप देख लेंगे हिंदी की उपभाषा व बोलियों की तरफ चलते हैं हिंदी की उपभाषा व बोलियाँ जैसे कि हिंदी की उपभाषा और बोलियाँ बहुत सारे हैं जैसे राजस्थानी हैं पश्चिमी हिंदी हैं पूर्वी हिंदी हैं बिहारी पहाड़ी ये सब हैं तो राजस्थानी में क्या क्या बोली जाती है जैसे बोली को क्या कहते हैं अगर आपसे बोली जब बोली को क्या कहते हैं बोली का परिभाषा बताइए तो आप बोलेंगे एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है तो आप कहाँ से बोले एक छोटे क्षेत्र में यानी कि राजस्थान एक छोटा क्षेत्र हो गया जब बंगाल एक छोटा क्षेत्र हो गया पूरा भारत तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं, राज्यों के जो गांव हैं, आप खुद देख सकते हैं अपने ही गांव में <coughs> सॉरी अगर बात करें केवल आजमगढ़ में ही आजमगढ़ मतलब यूपी की केवल बात करें तो यूपी में देखिए जगह जगह अलग अलग, अलग बोलियाँ हैं अब मेरठ की तरफ कुछ अलग बोली है लगता है हरियाणवी जैसी बोली है अगर आ जाएंगे बिहार की तरफ बिहारी बोली लगेगा मतलब तो केवल यूपी में ही देख सकते हैं कि क्षेत्र जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं वो अलग अलग है तो बताइए पूरे भारत में अलग अलग होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा दोस्तों तो इस तरह उस आधार पर हम भाषा को बांटे हैं उसे उपभाषा कहते हैं जो क्षेत्रीय आधार पर बढ़ते हैं उसे उपभाषा कहते हैं दोस्तों अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया उपभाषा कहते हैं वो उपभाषा बन जाता है अपने आप ठीक है ना सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अठारह ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था यह चीज़ याद रखें किसने सबसे पहले किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ठीक है याद रखेंगे यह या नाम उन अठारह बात भी याद रखेंगे दोस्तों याद रखेंगे और अठारह में एक उन्नीस सौ में काम हुआ था जो आपको उर्दू को दूसरा राजभाषा बनाया गया था ये बात याद रखेंगे अब हम बात कर लेते हैं राजस्थानी देखिए राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों राजस्थान में यानी पश्चिमी वाले इलाके में मारवाड़ी जयपुर वाती मालवी यहाँ पर बोला जाता है पश्चिमी हिंदी दोस्तों करवी कौरवी खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी इस नाम से भी जाना जाता है यह बोलियां हैं दोस्तों बोलियों का रूप है अगर बोला जाए पश्चिमी हिंदी के कितने रूप हैं तो बताएंगे कौरवी है खड़ी बोली ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी यह है ठीक है जो कि कहाँ कहाँ बोली जाती है जैसे हरियाणा हो गया उत्तर प्रदेश में हरियाणा उत्तर प्रदेश में ये बोली बोली जाती है सिर्फ है ना अगला देखिए पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी है बघेली है छत्तीसगढ़ी है दोस्तों यह कहाँ पे बोला जाता है तो बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश उत् छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में बोली बोली जाती है सर उत्तर प्रदेश में तो पश्चिमी हिंदी भी बोली जाती है तो पश्चिमी हिंदी तो बोली जाती है पूर्वी हिंदी जैसे कि यूपी का अगर बात करें यूपी का मैप बनाए दोस्तों तो नीचे वाले इलाके में जो है जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है वहाँ पर पूर्वी हिंदी काफ़ी ज्यादा विख्यात है ठीक है ना अगर बात करें बिहारी तो बिहारी नाम से ही फेमस है दोस्तों भोजपुरी भोजपुरी तो बहुत लोग जानते हैं और मगही मगही एक पान भी है जो कि बिहार में फेमस होता है तो मगही भोजपुरी मैथिली ये बिहार की ही भाषा है स्थानीय भाषा है आपको पता होना चाहिए दोस्तों और बिहार के साथ साथ दोस्तों कार्य उत्तर प्रदेश में कुछ भाषाएं क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है सटा हुआ है बिहार से तो उत्तर प्रदेश में कुछ इसकी चर्चाएं हो जाती हैं याद रखेंगे अगर पहाड़ी की बात करें दोस्तों की ऊपर जितने भी आपके उत्तराखंड हो गए हिमाचल प्रदेश हो गए उस इलाके में जैसे गढ़वाली है गढ़वाली मुख्यतः उत्तराखंड में ही बोली जाती है है ना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में और कुमायूनी यह दोनों के दोनों आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बोलियां हैं दोस्तों याद रखें चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे क्या है देवनागरी लिपि का विकास देवनागरी लिपि का विकास से पहले हम कौरवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौरवी एक भाषा है दोस्तों जो खड़ी बोली भाषा है है ना कौरवी को खड़ी बोली भाषा कहते हैं जैसे मूल नाम कौरवी ही है लेकिन खड़ी बोली भाषा भी कहते हैं साहित्य भाषा बनने के बाद इसका नाम क्या पढ़ा था खड़ी बोली पढ़ा था इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है आपसे पूछा गया जैसे बोलचाल भाषा में हिंदुस्तानी सर हिंदी और वर्नाक्यूलर खड़ी बोली आदि के नाम से इसे हम कौरवी भाषा को जानते हैं जैसे केंद्र के नाम से अगर जाने तो गुरु जनपद अर्थात मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर यह बोला जाता है खड़ी बोली आपको पता है दोस्तों आजकल सभी लोग ठेठ भाषा ठेठ भाषा के रूप में मेरठ हो गया जैसे अगर बात करें बिजनौर हो गया मुरादाबाद हो गया रामपुर हो गया सहारनपुर देहरादून और अंबाला वाला क्षेत्र हो गया ये सब जिलों में खड़ी बोली की जगह दोस्तों कल जगह की ठेठ भाषा बोला जाता है इसमें मेरठ जो है मेरठ मेरठ में खड़ी बोली का आदर्श है बहुत ज़्यादा वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है जैसे बोलने वाले की संख्या कौन कितनी है दोस्तों जो कौरवी भाषा है कौरवी भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी है बताएंगे एक दशमलव पाँच से लेकर दो करोड़ तक है यानी कि एक दशमलव पाँच से लेकर दो करोड़ तक लोगों का जो दोस्तों बोलने की भाषा है वो कौरवी है यानी खड़ी बोली आप समझ सकते हैं पूरे भारत की जनसंख्या सौ करोड़ है एक करोड़ है अगर दो सौ दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के हिसाब से देखें तो अगर केवल यूपी की देखें दोस्तों कितना है तो बता देंगे नाइन्टीन पॉइंट समथिंग है नाइनटीन पॉइंट टू या फिर सेवन के आसपास पास पॉइंट सेवन है समथिंग इतना करोड़ है तो उसमें से अगर देखें तो एक दशमलव पाँच से लेकर दो करोड़ लोग केवल कौरवी भाषा बोलते हैं यानी कि खड़ी बोली बोलते हैं ये बात याद रखेंगे चलिए इसको अच्छा हम देवनागरी के बारे में बात कर रहे थे ना देवनागरी लिपि की विकास कैसे हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं जैसे ब्रज भाषा ब्रज भाषा अगर बोला जाता है कहाँ बोला जाता है बताएंगे मथुरा में बोला जाता है मथुरा आगरा अलीगढ़ धौलपुरी मैनपुरी ना एटा बधाई जैसे कि जो कि हमारा यूपी में ही ज़्यादा क्षेत्र पड़ जाते हैं तीन करोड़ के आसपास लोग बोलते हैं दोस्तों तो ये चीज़ याद रखेंगे जैसे अवधि है तो अयोध्या अवधि में बोला जाता है इसका प्रयोग जो क्षेत्र हुआ है कहाँ पर बोला जाता है क्षेत्रीय दोस्तों तो लखनऊ इलाहाबाद फतेहपुर मिर्जापुर उन्नाव यह हो जाएगा अवधि का क्षेत्र हो जाएगा जैसे भोजपुरी है तो आप भोजपुरी के नाम से ही फेमस है कि बिहार में बोला जाएगा जैसे कि बनारस हो गया जौनपुर हो गया मिर्जापुर हो गया गाजीपुर बलिया गोरखपुर देवरिया आजमगढ़ बस्ती भोजपुर भोजपुर यानी कि आरा के नाम से जाना जाता है बक्सर रोहतास रोहतास का मतलब सासाराम हो गया भभुआ भभुआ मतलब कि हमारा कलेजिए यूपी से सटा हुआ बिहार का एक ज़िला है सहारनपुर छपरा सिवान गोपालगंज पूर्वी चंपारण उत्तरी चंपारण ठीक है यह सारे जो है ना यूपी और कॉलेज के पश्चिमी चंपारण उत्तरी ने पश्चिमी चंपारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण यह भोजपुरी वाले वाले क्षेत्र है हमारे भोजपुरी वाले यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र मैथिली भी है दोस्तों मैथिली मैथिली दोस्तों तिरहुता और देवनागरी लिपि है तिरहुता और देवनागरी इसमें जो मैथिला और विदे और तिरहुत केंद्र है इसका यहाँ पे बोला जाता है दरभंगा हो गया मधुबनी हो गया मुजफ्फरपुर पूड़िया यहाँ पे बोला जाता है बोलने वालों की संख्या एक दशमलव पाँच करोड़ है ये भी याद रखेंगे और जो भोजपुरी है भोजपुरी बोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते लगभग चार करोड़ है दोस्तों लगभग चार करोड़ है ये चीज़ याद रखेंगे देखिए ये सारी चीज़ें पूछी गई दोस्तों हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बता देते हैं चलिए नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर देवनागरी के बारे में बात कर लेते हैं देवनागरी के बारे में कुछ देख लीजिए विशेष चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं उच्च उच्च चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है आपको पता है जबकि लिखित तो वर्ड संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि भाषा शब्द होती है जबकि लिपि दृश्य है लिपि क्या है दोस्तों तो दृश्य है याद रखेंगे अभिव्यक्त कर सकते हैं भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं भारत की जितनी लिपि है सब ब्राह्मी लिपि से ही निकली है दोस्तों याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि बौद्ध तो के समय भी फेमस था ना पाली भाषा उस समय फेमस था बौद्ध काल के समय पाली याद रखेंगे यह या लिपि ब्रह्मा के मुख से निकली मानी जाती है इस वजह से ब्राह्मी लिपि कहा जाता है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक कार्यों ने वैदिक आर्यों ने दोस्तों वैदिक आर्यों ने शुरू किया था यहाँ पर वैदिक आर्य होनी चाहिए ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना पाँचवीं सदी यानी कि बी सी बिफोर क्राइस्ट का है जो कि बौद्धकालीन है अभी तो हमने बताया आपको नेक्स्ट देखिएगा देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है देवनागरी लिपि का स्वरूप जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है याद रखेंगे दोस्तों अगर हम बात करें देवनागरी लिपि का नामकरण किसने किया था नामकरण इस आधार पर हुआ था याद रखेंगे दोस्तों देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं तो हिंदी लिपि भी कहा जाता है देवनागरी का नामकरण विवादास्पद के नाम से जाना जाता है मतलब विवाद में बहुत ज़्यादा है ज़्यादातर विद्वान मानते हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं वहाँ से हुआ है और उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग जो थे अर्थात नागर ब्राह्मणों की जो संख्या थी नागरी थी नागरी कहा जाता था इस वजह से वो नागर के नाम से फेमस हुआ देवनागरी लोग कहने लगे वहाँ पंडित रहते थे तो देव हो गया और नागर के नाम से पंडित थे तो नागरी यानी कि देवनागरी के नाम से यह लिपिबद्ध हो गया याद रखेंगे दोस्तों है ना देवभाषा में उस लिपि को हम लोग लिपिबद्ध किए तो देवनागरी निकल के आया या। याद रखेंगे देवनागरी का कहाँ से जन्म हुआ है यहाँ पर देखिए देवनागरी का स्वरूप क्या है यह लिपि बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है दोस्तों पहले तो याद रख लेंगे जबकि फारसी लिपि जैसे उर्दू अरबी फारसी भाषा की लिपियाँ हैं दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है आपको पता होना चाहिए यह अक्षर आत्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक है दोस्तों यह या चीज याद रखेंगे है हाँ ना अच्छा प्रश्नों की बारी आती है इससे पहले हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों 16 से 17 प्रश्न है आपको बताना है आपने कितना सही किया तो देवनागरी लिपि के बहुत सारे गुण हैं आपसे पूछा जाता है जैसे कि अगर बात करें यह एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है एक वर्ण संकेत में अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है देवनागरी में अगर बात करें जो ध्वनि का नाम वही वड़ का नाम होता है देवनागरी लिपि में जो ध्वनि का नाम है वही वड़ का नाम होता है जैसे हम बोले कर, क, क कमल कमल में देखिए जो वड़ है हमारा एक ही क है म है ल है लेकिन उच्चारण के स्थान में देखे, देखें कमल का मतलब कोई दूसरा निकलता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जो ध्वनि का नाम होगा वही वड़ का नाम हो जाएगा मूक वड़ इससे कहते हैं मूक वड़ मूक यानी कि मूक वड़ इसमें नहीं होता है मूक वड़ इसमें नहीं होता है दोस्तों याद रखेंगे जो बोला जाता है वही लिखा जाता है इसमें है ना जैसे कि हिंदी में हम लोग में जो लिखते हैं उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं जैसे बोलें आप अगर टाइप करेंगे टाइप करिए गगड़ गा, गा, गगड़ गड़गड़ गड़गड़ाहत गाड़, तो आपको न टाइप करना पड़ेगा तब जाकर अड़ बनेगा है ना तो इसमें ऐसा नहीं होता जो टाइप करना है वही बोलना भी है वही चीज़ें होती हैं एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है इसमें जैसे कि हम लोग में जो हिंदी लिपि उसमें हो जाती है हिंदी वाले में देवनागरी में नहीं देवनागरी से हिंदी हिंदी बनी है लेकिन हिंदी में हो जाता है है ना अब याद रखेंगे संविधान सभा में भाषा संबंधी जो विधेयक पारित किया गया था दोस्तों चौदह सितंबर उन्नीस को पारित किया गया था यह क्वेश्चन बना है हमेशा बनेगा दोस्तों तीन से लेकर तीन जो अनुच्छेद है दोस्तों उसमें यह स्पष्टता कहा गया है राजभाषा हिंदी होगा यानी देवनागरी लिपि होगी और भाग सत्रह में भी हिंदी का जिक्र किया गया भाग सत्रह भाग हमारे कितने हैं संविधान में बाईस भाग हैं तो सत्रह नंबर का जो भाग है उसमें हिंदी का जिक्र किया गया है

कि द्रविड़ होगा कि आष्टिक होगा कि चीनी तिब्बती होगा दोस्तों भारूपी तो होगा हमने बताया था ना भारूपी किस भारूपी परिवार का भाषा है तो बताएंगे किस भाषा का तो भारूपी है जन्नी कौन है संस्कृत है ये बात याद रखेंगे नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में सर्वाधिक जो बोली जाती है दोस्तों कौन सी भाषा है आपको पता है हिंदी ही तो है संस्कृत होता है क्या संस्कृत नहीं है संस्कृत था पहले लेकिन अब संस्कृत विलुप्त हो गया है बहुत कम ही रहा गया है कह लीजिए कि अगर चले जाएंगे मध्य प्रदेश वाले इलाके में तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा हमें लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है याद रखेंगे लगभग सिक्सटी सेवेंटी के आसपास सेवेंटी परसेंट के आसपास पास दोस्तों याद रखेंगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है हमने बहुत बार बताया दोस्तों आपको अभी थ्योरी भी कराया तो बता देंगे अपभ्रंश से हुआ है जन्म कहाँ से हुआ है अपभ्रंश है जननी कौन है संस्कृत है याद रखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित तो में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बताइए कौन सी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है आपको ये बताना है ये कौन सा नंबर का प्रश्न है दोस्तों चौथे नंबर का प्रश्न है बताइए बताइए फटाफट कौन सी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है तो बता देंगे दोस्तों तेलुगु जो तेलुगु है लास्ट डी है वही सही आंसर होगा इसका तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है नेक्स्ट हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों तो बताएंगे किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो बता देंगे काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों आपको पता होना चाहिए काव्य काव्य भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हिंदी की ब्रज भाषा है ना जो हमने बताया अभी नेक्स्ट भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों बताइए हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे राजभाषा के रूप में तो रखेंगे जो कि हमारा 14 सितंबर उन्नीस को बहुत ज़्यादा कलेजे की विवाद बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद हमारे विधानसभा में मतलब विधान सभा में यह पारित हुआ दोस्तों याद रखेंगे चौदह सितम्बर को इस विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं चौदह सितम्बर नहीं दस

है ना ब्राह्मी लिपि है लेकिन पाली एक भाषा है ये चीज याद रखेंगे दोस्तों अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है बताइए ब्राह्मी लिपि से तो हुआ है जो आठवें का राइट आंसर क्या है ब्राह्मी लिपि होगा दोस्तों अधिकतर जितने भी भारतीय भाषा हैं दोस्तों उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ यह राइट आंसर होगा नेक्स्ट हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बताइए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है यही तो राइट होगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ये बात हमें अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था नेक्स्ट देखिए वर्तमान हिंदी का प्रचिल प्रचलित रूप है जो वर्तमान हिंदी है वो प्रचलित रूप क्या है जैसे आप अगर मराठ जो आप मेरठ की तरफ वाले लोग हैं अगर वहाँ से बात करेंगे उनसे तो आपको लगेगा कि कुछ अजीब मतलब तो अगर उनको स्थानीय भाषा में बात करेंगे तो हरियाणा वाले से ना तो कभी समझ में नहीं आएगा उनकी भाषा क्या वो बोलना चाहते हैं आपको लगेगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं हमारी मजाक उड़ा रहे हैं अभी हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं लेकिन यह नहीं पता चल पाएगा आपको मतलब कन्फर्म नहीं हो पाएगा उनकी लैंग्वेज तो याद रखेंगे दोस्तों अगर खड़ी बोली में बात बा, बोली में बात बात करेंगे आप खड़ी बोली में अगर उनसे बात करेंगे तो सारी चीज़ें आपको कन्फर्म होती चली जाएंगी लेकिन अगर खड़ी बोली में नहीं बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा वर्तमान हिंदी की प्रचलित रूप है खड़ी बोली जिसे आधुनिक हिंदी अब तक वह चली आ रही है अठारह सौ पचास से अब तक निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है बताइए फटाफट दोस्तों ग्यारहवें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी की बोली नहीं है बताइए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या बुंदेली नहीं है क्या आपका बुंदेली नहीं है दोस्तों क्या आपका ब्रज नहीं है क्या आपका कन्नौजी नहीं है कि बघेली नहीं है बताइए कौन सा नहीं है बघेली बघेली दो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी नहीं है याद रखेंगे नेक्स्ट भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों तो बता देंगे तीन से लेकर तीन सौ इक्यावन तक तीन सौ तिरालीस से लेकर तीन सौ इक्यावन तक अनुच्छेद में यह उल्लेख है दोस्तों नेक्स्ट मगही किस उपभाषा की बोली है मगही मगही दोस्तों आपको पता है बिहारी बिहारी की बोली है मगही मगही याद रखेंगे दोस्तों बिहारी की है नेक्स्ट किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों तो बता देंगे चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास को चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास दोस्तों याद रखेंगे चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास ईस्वी को नेक्स्ट भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों देखिए पूर्व संख्या कितनी थी आपसे यह पूछा है कितनी है तो बताएंगे बाईस है और कितनी थी तो चौदह थी जब हमारा संविधान सभा में बनकर तैयार हुआ दोस्तों आठवीं अनुसूची तो केवल आठ ही अनुसूची थे उसके बाद जो नौ दस ग्यारह बारह है उसमें संशोधन होकर जुड़ा है तो आठ ही आठवीं अनुसूची में चौदह भाषाओं का जिक्र था लेकिन एक बार सबसे पहली बार इक्कीसवें नंबर का संविधान संशोधन होता है उन्नीस में उसमें सिंधी से वर्ड जोड़ा जाता है कौन सा वर्ड सिंधी सिंधी एक जोड़ा जाता है एक वर्ड जोड़ा जाता है सिंधी इसके बाद होता है दोस्तों दूसरा नंबर का जो संविधान संशोधन होता है भाषाई आधार पर भाषा के लिए उन्नीस में होता है उन्नीस में होता है इसका नाम है दोस्तों आपका इकहत्तरवें नंबर का संविधान संशोधन होता है इसमें तीन भाषा जोड़ा जाता है मैथिली मैथिली नेपाली और कोंकड़ी मैथिली नेपाली कोंकड़ी जोड़ा जाता है तीन भाषा तीन एक चार हो गया इसके बाद एक जोड़ा जाता है दोस्तों आपका कितना एक बानवेवा संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बानवेवें नंबर का संविधान संशोधन 2003 में होता है उसमें चार भाषाएं जोड़ी जाती हैं तो चार तीन सात एक आठ चौदह आठ बाईस तो इस समय तो देखेंगे तो बाईस हैं लेकिन पूर्व में पूछा गया तो आपका राइट आंसर यह वाला होगा नेक्स्ट देखिएगा हिंदी की आदि जननी है दोस्तों यह प्रश्न बार बार आया है हम आपको बार बार सजेक्ट किया दोस्तों संस्कृत लगाएंगे अब अपभ्रंश नहीं लगाएंगे संस्कृत इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अच्छा दोस्तों लास्ट था अगर आपको दोस्तों वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को दोस्तों अपनी संख्या बढ़ाइए बस सारी मेहनत हम करेंगे सारी पी देंगे आपको जो पिछली वीडियो है आप उसको रिविजन भी करिए सारे बच्चों को बताइए देखिए आज हिंदी का जो उत्पत्ति है वो पूरा खत्म हो गया अब इसके बाद आपका एक छंद बचा है एक अलंकार बचा है अलंकार भी खत्म हो गया है ना अलंकार बचा है देख लीजिएगा छंद और रस बचा है अलंकार खत्म हो गया है छंद और रस किसी एक वीडियो में दो वीडियो लेकर हम हमसे खत्म कर देंगे इसके बाद हम आ जाएंगे किस पे आपके शुद्ध अशुद्ध पे थोड़ा सा उसको देखेंगे फिर उसके बाद वन वर्ड सब देखेंगे बस हिंदी खत्म बेहतरीन है दोस्तों अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना बता तो रहे एक प्रश्न भी इससे बाहर नहीं आने वाले हैं हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ आप आर ओ आरओ पी सी एस यू पी टेट सी टेट सुपर टेट सब में बैठिए पीजीटी टीजीटी टी सब में बैठिए बस एक साहित्य का हमको लाना है हमने कल वैसे साहित्य का पूरा एक सौ प्रश्न का आपको दिया था पूरा नोट्स अच्छे से तैयार करके आपने देखा होगा अगर उसका पी नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पर जाके दोस्तों दोस्तों बस एक विनती है आप लोग से कि अपने इस प्लेटफॉर्म को अपने इस फैमिली को बड़ा करिए बस ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सिलेक्शन हमारे ऊपर है बस आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद मित्रों